हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सांबरा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1। पाठ 1 में आपको कबीर दास जी की 8 शाखियां दी गई हैं। कबीर दास के काव्यों का हमेशा से जो विषय रहा है वो सामाजिक और धार्मिक बुराइयों का खंडन करना रहा है। कहा जाता है कि उनका जो जन्म है वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और लोक लाज के डर से उन्होंने उन्हें लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से उन्हें जुलाह दंपति ने गोद लिया और उन्हीं ने उनका लालन पोषण भी किया। कबीर दास जी बचपन से अनपढ़ थे, तो जो उनकी साखियां हैं, उनके काव्य हैं, वो उन्होंने मौखिक रूप में सबके सामने प्रस्तुत किए थे। उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने उन्हें लिखित रूप प्रदान किया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में कबीर दास जी द्वारा जो 8 साखियां दी गई है उसमें कबीर जी आपको क्या सीख देना चाहते हैं, उन्हें देखते हैं। साखी नंबर 1 में कबीर जी कहना चाहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करई औरन को सुख होई। यहाँ पर कबीर दास जी ने जो बाणी शब्द यूज किया है उसका अर्थ है बोली, और आपा जो शब्द यूज हुआ है उसका अर्थ है अहम या अहंकार, इसे आप घमंड भी कह सकते हैं। खोई जो शब्द है उसका अर्थ है त्याग करना। तन शब्द का अर्थ है शरीर और शीतल शब्द का अर्थ है शीतल करना या ठंडा। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ जो है वो अच्छा से लिया जाएगा। औरन जो शब्द है उसका अर्थ है दूसरों को। होई का अर्थ है यहाँ पर होना। इस तरह इस साखी का जो अर्थ है वो ये निकलता है। यहाँ पर आप दूसरे चरण से शुरू करेंगे कि हमें अपने मन का जो घमंड है उसका त्याग करके ऐसी बाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली का प्रयोग करना चाहिए जिससे क्या हो, जिससे हमारा तन मन तो अच्छा रहे उसके साथ साथ ही औरन को यानी दूसरों को भी सुख हो, दूसरों को भी कोई कष्ट ना पहुँचे। तो यहाँ पर कबीर दास जी आपको मीठी बोली बोलने की सीख देना चाहते हैं। अब यही जो साखी है वो जब आपको परीक्षा में पूछी जाती है तो कहा जाता है सप्रसंग व्याख्या करें। तो आप इसका प्रसंग किस तरह से लिखेंगे? आप इसका प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर दास जी ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। यहाँ पर जो ये पहली पंक्तियाँ हैं वो हर साखी में, जो आपकी 8 की 8 साखियाँ हैं उसमें ये दोनों पंक्तियाँ सेम एज इट इज़ ऐसी ही रहेगी, और जो ये उसके बाद की पंक्तियाँ हैं वो आप अपनी साखी में जो महत्वपूर्ण बात है उसको यहाँ पर लिखेंगे और व्याख्या में आप इसी बात को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप इस साखी की व्याख्या किस तरह से लिखेंगे? आप लिखेंगे, इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हमें मन का आपा खोए, मन का अहंकार त्याग करके ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे क्या हो, अपना तन शीतल करे, जिससे हमारा तन मन जो है वो स्वस्थ रहे, औरन को सुख होए, और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो। इस तरह से परीक्षा में आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अगली साखी में कबीर दास जी आपको क्या सीख देना चाहते हैं? अगली साखी में कबीर दास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। इस साखी में जो कुंडली शब्द है उसका अर्थ है नाभि, और मृग जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और हिंदी में उसका अर्थ होता है हिरण। घटी घटी जो यहाँ पर शब्द है उसका अर्थ है कण कण। अब यहाँ पर जब आप इस साखी का अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ भी आप दूसरे चरण से शुरू करेंगे कि मृग ढूंढई बन माही, बन का अर्थ है वन यानी जंगल। तो मृग ढूंढई बन माही यानी जो हिरण है वो वन में ढूंढ रहा है, वो क्या ढूंढ रहा है, कस्तूरी कुंडली बसे यानी वो कस्तूरी को ढूंढ रहा है। तो मृग ढूंढई बन माही यानी जो मृग है वो वन में भटक रहा है, कस्तूरी की खुशबू को ढूंढ रहा है, और वो किस बात से अनजान है, मृग अनजान है कि कस्तूरी कुंडली बसई, जो कस्तूरी है वो उसी की नाभि में बसी हुई है, उसी की कुंडली में विद्यमान है। यानी मृग जो है इस बात से अनजान है कि उसकी नाभि में ही कस्तूरी विद्यमान है और वो कस्तूरी जो है पूरे जंगल में भटक भटक कर ढूंढ रहा है। उसी
तरह से दुनिया देखी नहीं, दुनिया के जो लोग हैं उन्हें भी दिख नहीं रहा है। उन्हें क्या नहीं दिख रहा है? ऐसे ही घटी घटी राम है, उन्हें राम नहीं दिख रहे हैं, उन्हें ईश्वर नहीं दिख रहे हैं, जबकि वो इस बात से अनजान है कि जो राम है, जो ईश्वर है, वो घटी घटी, वो कण कण में विद्यमान है। तो इस जो साखी का अर्थ है वो ये निकलता है कि जिस तरह से एक हिरन जो है पूरे वन में कस्तूरी की खुशबू को सूंघता हुआ भटकता रहता है कस्तूरी प्राप्त करने के लिए, वो इस बात से अनजान है कि वो कस्तूरी उसी की नाभि में विद्यमान है। उसी तरह से दुनिया के लोग भी भगवान को तीर्थों में, मंदिरों में ढूंढते रहते हैं, जबकि जो भगवान है वो घटी घटी, वो कण कण में विद्यमान है। तो कबीर जी यहाँ पर ये सीख देना चाहते हैं कि अगर आप भगवान को ढूंढना ही चाहते हैं तो आप उन्हें मंदिरों और तीर्थों में ना ढूंढकर अपने मन में ढूंढें, वहां आपको जो भगवान है वो मिल जाएंगे। तो जब आपसे ये साखी परीक्षा में सप्रसंग व्याख्या के लिए पूछी जाए तो आप इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है, इसके कवि कबीरदास जी हैं। यहाँ तक आप एज इट इज उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से आपने पहली साखी के प्रसंग में लिखा था। उसके बाद की पंक्तियों में मैंने कहा था कि जो आपको साखी परीक्षा में आएगी उस साखी की महत्वपूर्ण बात को आपने प्रसंग में एक पंक्ति में लिखना है। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। अब आप व्याख्या में अपनी जो साखी है उसको विस्तार से लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध जो है उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह क्या है, इस बात से बेखबर होता है। उसी तरह से जो है संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, और जो मनुष्य है वो इस बात से बेखबर है, उसे पता नहीं है, और वो ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अगर आप ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो कहाँ ढूंढे, अपने मन में ढूंढे। तीसरी साखी में कबीरदास जी आपको क्या सीख देना चाहते हैं? तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, मैं जो यहाँ शब्द है वो अपने लिए यूज नहीं हो रहा है, मैं का एक अर्थ होता है अहम, अहंकार यानी घमंड। यहाँ पर मैं घमंड के लिए प्रयोग हो रहा है, और हरि आपको पता है, हरि कहा जाता है विष्णु जी को यानी परमेश्वर या ईश्वर को। अंधियारा जो है वो अंधकार को कहा गया है, यानी अहंकार रूपी जो अंधकार है, घमंड का अहंकार है, वो यहाँ पर अंधियारा के रूप में लिया गया है। यहाँ पर एक शब्द है दीपक, यहाँ पर दीपक को ईश्वर के साथ संबोधित किया गया है, यानी दीपक को ईश्वर की तरह बताया गया है। यहाँ पर इस साखी का अर्थ निकलता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मेरे मन में अहंकार था, मेरे मन में घमंड था, तब वहां पर हरि नहीं थे, यानी वहां पर ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब वहां पर हरि है लेकिन वहां पर घमंड नहीं है, क्योंकि जहाँ घमंड होता है वहां क्या है, ईश्वर नहीं होते। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही, सारा जो अंधियारा है, सारा जो अहंकार रूपी अंधकार है, वह मिट गया जब उन्होंने दीपक को देखा, यानी जब उन्हें दीपक रूपी ईश्वर के दर्शन हुए। इस साखी के द्वारा कबीरदास जी ये सीख देना चाहते हैं कि आपको अपने अहंकार को, अपने घमंड को अपने मन से निकाल देना है, क्योंकि जब तक आपको अहंकार और घमंड होगा तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसका प्रसंग और व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? इसके प्रसंग में भी आप जो प्रस्तुत 2 पंक्तियां हैं वो उसी तरह से लिखेंगे, और अगली पंक्ति में आप इस साखी में जो महत्वपूर्ण बात है वो कहेंगे। तो इस साखी में महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें कबीरदास जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात करते हैं। यानी इस साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब मन से अहंकार आदि मिट जाएगा तभी जो है परमेश्वर का वास वहां पर होगा। इसकी व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में हरि है,
अब वहां पर अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या माही। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी जो अहंकार है उसका विनाश हो गया। इस तरह से आप अपनी जो साखी है उसका प्रसंग और व्याख्या आसानी से लिख सकते हैं यदि आपको साखी में जो कठिन शब्द है उनके अर्थों का ज्ञान है। अगली साखी में कबीरदास जी आपको क्या सीख देना चाहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खायई अरु सोवई, दुखिया दास कबीर हैं जागई अरु रोवई। यहाँ पर सुखिया जो शब्द है उसको कहा गया है सुखी, अरु जो यहाँ पर शब्द यूज हुआ है उसका अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार, सोवई जो शब्द है उसका अर्थ है सोए हुए। जिस तरह सुखिया का अर्थ था सुखी, उसी तरह दुखिया का अर्थ है दुखी और रोवई का अर्थ है रो रहे। तो इस तरह यहाँ पर हमें कठिन शब्दों के अर्थ पता चल गए हैं। तो इसका अर्थ यानी कबीरदास जी इस साखी के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं, खायई अरु सोवई, यानी संसार के जो लोग हैं वो अपने अज्ञान रूपी अंधकार से बेखबर होकर सो रहे हैं। ये सब देखकर क्या है, दुखिया दास कबीर हैं, वो जो कबीर जी हैं वो दुखी हो रहे हैं। और जागई अरु रोवे, वो उनके जो ये ज्ञान रूपी अंधकार है उनको देखकर रो रहे हैं और जाग रहे हैं। किसके लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। वो दिन रात जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए जाग रहे हैं और दुखी किस लिए हैं? क्योंकि जो संसार के लोग हैं वो उन्हें लगता है कि वो सुखी हैं और वो अपने अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, उन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। अब यहाँ पर कबीरदास जी ये सीख देना चाहते हैं कि जो संसार रूपी लोग हैं उन्हें अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना चाहिए, उन्हें ईश्वर प्राप्ति के लिए जागना चाहिए। तो इसका प्रसंग और व्याख्या किस तरह से लिखेंगे? इसके प्रसंग में भी आप प्रस्तुत जो दो पंक्तियां हैं उनको उसी तरह से लिखेंगे और अगली पंक्ति में जो महत्वपूर्ण बात है वो लिखेंगे। इस साखी की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। अब आप इसकी व्याख्या किस तरह से करेंगे? आप इसकी व्याख्या इस तरह से करेंगे, सुखिया सब संसार है खायई अरु सोवी, यानी कबीर दास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, उन्हें अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है और वो अनजान रूप से सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर जी दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। इस तरह से आप इसकी व्याख्या और इसका प्रसंग लिखेंगे। अगली जो साखी है उसमें कबीरदास जी किस सामाजिक बुराई को दिखा रहे हैं? कबीर जी कहते हैं, बीरह भुवंगम तन बसई, मंत्र न लागई कोई, राम वियोगी न जीवई, जीवई तो बौरा होई। इस साखी में जो बीरह शब्द यूज हुआ है उसका अर्थ है बिछड़ने का गम, यानी जब आप अपनों से दूर होते हैं उसके गम को बीरह कहा गया है। भुवंगम जो शब्द है उसका अर्थ है भुजंग यानी सांप, और यहाँ पर बौरा जो बौरा शब्द है उसका अर्थ है पागल। यहाँ पर इस साखी का अर्थ ये निकल रहा है कि जब आपके तन मन में बिरह रूपी यानी अपनों से बिछड़ने वाला जो सांप रूपी गम है वो आपके तन में लौटने लगता है तो ना तो कोई मंत्र काम में आता है और ना ही कोई दवा जो है वो आपको लगती है। उसी तरह से कबीर दास जी कहते हैं कि राम वियोगी ना जीवे, वियोगी भी यहाँ पर कहा गया है कि ईश्वर से, राम जो यहाँ पर लिया गया है वो ईश्वर के लिए लिया गया है कि राम वियोगी ना जीवई, कि राम के वियोग में, राम से बिछुड़ने के गम में कोई भी मनुष्य ना जीवई, कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। जीवई अगर वो जीवी लेता है तो क्या होता है, तो बौरा होई, तो वो पागल हो जाता है, वो पागलों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं जिस तरह संसार के लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते उसी तरह ईश्वर से दूर रहकर भी कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अब आप इसके प्रसंग और व्याख्या को किस तरह से लिखेंगे? इसके प्रसंग में भी आप जो प्रस्तुत दो पंक्तियां हैं वो उसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के
कवि कबीरदास जी हैं। उसके बाद जो पंक्ति है उसमें आप साखी की मुख्य बात लिखेंगे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में, ईश्वर से बिछड़ने के दुख में कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वो पागल हो जाता है। अब आप इसी बात को किस तरह से विस्तार में लिखेंगे? आप लिखेंगे, विरह भुवंगम तन बसई मंत्र न लागई कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो ना तो उसे कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में, ईश्वर से बिछड़कर भी कोई मनुष्य ना जीवई, कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वो जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। अगली साखी में कबीरदास जी आपको क्या सीख देना चाहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ पर जो निंदक शब्द यूज हुआ है उसका अर्थ है निंदा करने वाले, यानी जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं उनके लिए निंदक शब्द यूज हुआ है। नेड़ा अर्थात निकट यानी नजदीक, आंगणी जो है वो कहा गया है आंगन को, कुटी होता है घर, साबण कहा गया है साबुन को, निर्मल है साफ करना यानी निर्मल होता है साफ, और सुभाई, सुभाई का अर्थ है स्वभाव। अब यहाँ पर इस साखी का अर्थ निकल रहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बधाई, यानी यहाँ कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि हमें निंदा करने वालों को, यानी जो आपकी पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, उनको नेड़ा, उनको नजदीक राखिए, रखना चाहिए, निंदा करने वालों को नजदीक रखना चाहिए, आंगणी कुटी बधाई। उन्हें कितने नजदीक रखना चाहिए? उन्हें इस तरह से रखना चाहिए जैसे आपने उनके लिए आंगणी कुटी बधाई, अपने आंगन में ही घर बना दिया हो, यानी उन्हें अपने आसपास ही रखना चाहिए। उन्हें अपने पास क्यों रखना चाहिए? क्योंकि उनके द्वारा की गई निंदा से आप निर्मल करे सुभाई, अपने स्वभाव को इस तरह से साफ कर सकते हैं जैसे बिन साबुन पानी बिना, बिना साबुन और पानी के आप किसी चीज को साफ कर रहे हो। यानी निंदा करने वालों को नजदीक रखने का एक फायदा होता है कि बिना साबुन और पानी के ही आपका जो स्वभाव है वो साफ हो जाता है, आप अच्छे स्वभाव वाले बन जाते हैं। अब आप इसके प्रसंग और व्याख्या को किस तरह से करेंगे? इसका प्रसंग आप उसी तरह से करेंगे, प्रथम दो पंक्तियां आप वैसे ही लिखेंगे, और उसके बाद महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके, यानी आपके स्वभाव में पॉजिटिव जो है परिवर्तन आ सके। अब आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? आप इसकी व्याख्या में लिखेंगे कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी प्रसंग और व्याख्या को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगली साखी में कबीरदास जी आपको क्या सीख देना चाहते हैं? अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा पंडित भया न कोई, एक ही आसिर पीव का पड़े सुपंडित होई। यहाँ पर जो पोथी है वो कहा गया है पुस्तक को, मुवा यानी मरना, भया कहा गया है बनने को, अशिर जो अशिर शब्द है वो है अक्षर के लिए, और पीव यानी प्रिय। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा, यानी मोटी मोटी पुस्तकों को, मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ पढ़कर दुनिया के, जग के, संसार के बहुत सारे लोग क्या हैं, मुवा मर गए, लेकिन वो क्या हैं, पंडित भया न कोए, उनमें से कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। कबीरदास जी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीरदास जी मानते हैं, एक ही आशीर पीव का पड़े सुपंडित होए, यानी अगर कोई ईश्वर प्रेम का केवल
एक अक्षर भी पढ़ लेता है, प्रिय जो है वो यहाँ पर ईश्वर के लिए कहा गया है। यानी अगर ईश्वर प्रेम का कोई एक अक्षर भी पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है, यानी वही जो है असली ज्ञानी हो जाता है। यहाँ पर कबीर दास जी ईश्वर प्रेम को ही सर्वोच्च मान रहे हैं, यानी वे कहते हैं कि ईश्वर प्रेम ही सब कुछ है, किताबी ज्ञान कुछ भी नहीं है। आप किस तरह से प्रसंग और व्याख्या करेंगे? प्रसंग में आप प्रथम दो पंक्तियां उसी तरह से लिखेंगे और इस साखी की जो मेन बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो लिखेंगे कि इसमें कबीर दास जी पुस्तकी ज्ञान को महत्व ना देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। और इसकी व्याख्या में आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप लिखेंगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, यानी कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकों और किताबों को पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु पंडित भया न कोई, कोई भी मनुष्य पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन सका। एक ही आशीर पीव का यदि कोई व्यक्ति ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लेता तो क्या होता? पढ़े ही सुपंडित होई, वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही सच है और जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। जो ईश्वर प्रेम को जान लेता है वही कबीर दास जी की नजर में वास्तविक ज्ञानी है, वही वास्तविक पंडित है। तो यहाँ पर कबीर दास जी पुस्तकी ज्ञान को ना मानकर ईश्वर प्रेम को ही मानते हैं और यहाँ पर क्या सीख दे रहे हैं कि हमें ईश्वर के प्रति भी प्रेम रखना चाहिए। अगली साखी में कबीर दास जी आपको क्या सीख देना चाहते हैं? कबीर दास जी कहते हैं, हम घर जा लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर जो जालिया शब्द है वो है जलाने के लिए, आपना अर्थात अपना, मुराड़ा जो शब्द है वो है जलती हुई लकड़ी। और यहाँ पर इस साखी में जो मुराड़ा शब्द है उसका अर्थ है ज्ञान, जालों जो शब्द है उसका अर्थ है जलाऊं, और तास का यानी उसका। अब यहाँ पर इस साखी का अर्थ निकल रहा है कि हम घर जा लिया आपना, कि मैंने अपना घर अपने आप अपने हाथों से जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथी, अब मेरे हाथ में क्या है? मुराड़ा जलती हुई लकड़ी है। यानी कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, उनके कहने का अभिप्राय है कि मैंने अपने हाथों से अपना घर, मोह माया रूपी जो घर था उसे जला लिया है और अब मेरे हाथ में ज्ञान रूपी जो मशाल है वो है। अब घर जालों तास का, अब मैं उसका घर जलाऊंगा, जे चलो हमारे साथी, जो मेरे साथ चलना चाहता है। यानी कबीर दास जी कह रहे हैं कि अब मैं इस ज्ञान की लकड़ी से, जो मेरे हाथ में अब ज्ञान की लकड़ी है, उसके सहारे मैं उनका घर जलाऊंगा, उनकी मोह माया को जलाऊंगा जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, यानी जो ज्ञान को या ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। अब इसके प्रसंग और व्याख्या को आप किस तरह से लिखेंगे? प्रसंग में उसी तरह से जैसे आपने दो पंक्तियां लिखी थी उन्हें उसी तरह से एज इट इज लिखेंगे और अगली पंक्ति में जो महत्वपूर्ण बात है इस साखी की उसे लिखेंगे कि इसमें कबीर दास जी मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। ये जो है इस साखी की महत्वपूर्ण बात है। और अब व्याख्या करेंगे। व्याख्या में आप लिखेंगे, हम घर जा लिया आपना, कि कबीर दास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जला दिया है या उसका त्याग कर लिया है और ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लिया मुराड़ा हाथी, अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल या लकड़ी है, यानी उनको अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब घर जालों तास का, अब वे उसका घर जलाएंगे, जो जे चले हमारे साथी, जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इस साखी में कबीर दास जी ये सीख देना चाहते हैं कि मोह माया का त्याग करके ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसलिए हमें खुद ही अपने आप ही अपने मोह माया का त्याग करके ज्ञान को प्राप्त करना होगा। इन आठ साखियों में कबीर दास जी ने मीठी वाणी बोलने, ईश्वर प्रेम को सर्वोच्च मानने और मोह माया को त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने की सीख दी है और ये बताया है कि मोह माया को त्याग करके ही आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और पुस्तकी ज्ञान को छोड़कर आपको ईश्वर प्रेम में अपना मन लगाना चाहिए। धन्यवाद।